guys, this is Manwaz and here I am with another video on day 3 of day 100. So guys, पिछली हमारी दो वीडियोज ऑलरेडी बन चुकी हैं जिनमें हमने बेसिक्स पे पहले आपको बता रहे बेसिक सिखा रहे हैं, तो फ्रंट रोल और बैक रोल तो हम आपको ट्यूटोरियल के थ्रू और प्रॉपर ए टू जेड जो मेन टिप्स थी उनके थ्रू हम आपसे एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब बारी है ब्रिज की। सो ब्रिज ये वो वाहिद एक्सरसाइज है जो आपकी बैक की फुल स्ट्रेच होती है, आपकी फ्रंट पोर्शन की फुल स्ट्रेच होती है। अब जो ब्रिज है ये सिर्फ जिमनास्टिक्स, पार्कौर और मतलब गिनती की जो गेम्स हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है, हर तरह के एथलीट, हर तरह के स्पोर्ट्समैन के लिए ज़रूरी है कि वो ब्रिज करे, क्योंकि बैकबोन की स्ट्रेच बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैकबोन की स्ट्रेच नहीं करते तो इन फ्यूचर जब आप बुढ़ापे में जाएंगे तो आपकी जो है जो बैकबोन है वो स्टिफ हो जाएगी। हमने उसको स्टिफ नहीं करना, मतलब आपका बॉडी पोस्चर आपके एज के साथ साथ झुकता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं वो वक्त के साथ साथ उनका झुकाव आ जाता है, उसकी रीज़न यही है कि वक्त के साथ साथ जो बैकबोन होती है वो स्टिफ होती है, बैठना शुरू हो जाती है। तो हमने उस चीज़ को बचाने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब ब्रिज एक्सरसाइज है क्या और किस तरह से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो वो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ। ये हमारा लड़का हमारे साथ मौजूद है, सो अब इसको सिखाऊंगा, आप देखिएगा। सो गाइस, एज यूजुअल बात वहीं आती है कि जो जो चीज़ मैं सिखाता हूँ मैं अगले दिन लड़के को लाजमी कहता हूँ कि वो करके दिखाए, क्योंकि अगर ये लड़का इंप्रूवमेंट नहीं ला सकता तो आप भी इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते, क्योंकि जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ वो एक दिन में सीखी जा सकती है। तो जब ये एक दिन में सीख सकता है तो आप लोग भी एक दिन में सीख सकते हो। अब ये लड़का हमें दो दिन की एक्सरसाइज देते हैं, जैसे नंबर वन फ्रंट रोल है और नंबर टू बैक रोल है। बड़ी एक फ्रंट रोल एक बैक रोल आप करके दिखाओ और फुल टेक्निक के साथ चाहिए। ओके गुड, ग्रेट ग्रेट। और बैक रोल यहीं से बैक रोल हो जाए। सो गाइस, ब्रिज जो है अब वो लड़का परफॉर्म करेगा। मेरा ये थोड़ा सा कलाई का इशू है तो मैं खुद तो नहीं परफॉर्म करूंगा लेकिन मैं इसको सिखाऊंगा। तो ब्रिज क्या है? ब्रिज जैसे कि नाम से ही बातें हैं, ब्रिज बनना है, बॉडी को ब्रिज की शेप में डालना है। ठीक है, आप जरा इधर आए। ठीक है, तो करना क्या है, मैं इसको पुश पे करवा रहा हूँ सिर्फ एक बार दिखाने के लिए कि मूवमेंट है क्या, लेकिन आप खुद भी कर सकते हो बगैर पुश के। मैं वो तरीका भी बताऊँगा, आप हाथ ऊपर करें। ठीक है, अब आपने ज़मीन देखनी है, ढूंढनी है। जब आप मैंने अपनी फुल बॉडी का वेट उठाया हुआ, जब आपको ज़मीन दिखेगी तो आपने आराम से हाथ लगाना है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आराम से जाने दें। मैंने अपना पूरा बॉडी वेट उठाया हुआ। ओके, गो 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 गो। ओके, कैमरा मैन जरा इधर आना, जरा आप इसका ब्रिज क्लियर करके दिखाइएगा। ओके, सो ये सपोर्टेड वे है जिसमें आप किसी की सपोर्ट ले सकते हैं, इसी में आप ऐसे वजन उठा उठा के बंदे को खड़ा कर सकते हैं दोबारा। ओके, सो दूसरा जो तरीका है ब्रिज का, वो पहले तरीके बता रहा हूँ फिर जो टेक्निक्स हैं जो गलतियाँ हैं वो बताऊँगा। दूसरा तरीका है लेट के ब्रिज होता है, लेट के करिएगा। ठीक है, आप लेटे हैं, परफेक्ट। नम अपनी बाजू थोड़ा सा, बिल्कुल बॉडी क्लियर नज़र आ रही है कैमरे में, राइट? ओके ओके, तो सबसे पहला जो काम होता है आपने अपने जो इन पाँव को मैक्सिमम अपनी हिप के करीब करना होता है, मैक्सिमम। ठीक हो गया। नंबर टू, आपने अपने हाथों को उल्टा करके, नहीं ये डायरेक्शन, ये देखिए ये डायरेक्शन गलत है। ठीक है, आपने फिंगर्स को अपने शोल्डर की तरफ पूरा टर्न करना है, अंदर को करना है, मैक्सिमम करीब करना है। ओके हो गया। उसके बाद जो मेन गलती होती है, चलो मैं एक बार आपको कुछ दिखा देता हूँ फिर आपको गलती बता देता हूँ। ठीक है, अब जरा उठाइएगा ऊपर को। ओके, नाइस नाइस बॉय, बहुत अच्छे। इस तरह से आप किसी की पुश दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर पुश देने वाला नहीं है तो आप जस्ट ट्राई करें, ट्राई करते करते इंप्रूवमेंट खुद ब खुद आ जाए। गलती मैं बता देता हूँ, आप उससे ट्राई करें कि आप अच्छे हो, लेट जाओ। ओके, आप कुछ सेकंड रेस्ट कर लो, ये लेट जाओ। ओके, तो अब हम आएंगे गलतियों की तरफ। ठीक है, जरा दोबारा लेटिएगा। हाँ, मेन वही बात, पाँव का रेप, उसके बाद हाथों का। ठीक है, अब मेन जो गलती सबसे पहले होती है नए बंदे के लिए, नया बंदा हमेशा हाथों का धक्का दे के अपनी बॉडी को इस तरफ को लेके जाता है, क्योंकि हाथों की डायरेक्शन इस तरफ, या इस तरफ लेके जाएगा या इस तरफ को लेके जाएगा। एक बार आप तरफ करें, इस तरफ को आए, गलत ट्राई करें किसी भी तरफ, ये देखिए ऐसे करेगा या पाँव उठाएगा नहीं, या पाँव की तरफ थोड़ा सा, या ऐसे करेगा, ये दोनों गलती है। ठीक है, आपने गलतियाँ नहीं करनी, ये गलती कब खत्म होगी, जब इस जगह से आप ऊपर उठेंगे, आपने इस पोर्शन को ऊपर को उठाना है। ठीक है, मैं आपको उठा के दिखाता हूँ, ये देखिए उठाइएगा, ये पोर्शन, ये पोर्शन ऊपर को उठाने, जब इस पोर्शन को ऊपर को उठाओगे और हाथों को सीधा करना है, टांगों को कोशिश करनी मैक्सिमम सीधा, तो खुद का खुद ब्रिज बनेगा। उसके बाद जब सीधा हो गए, उसके बाद आपने बाजू सीधे करके इस तरफ को दौड़ लगाना है, ताकि आपका ये जो शोल्डर वाला एरिया है ये वाला सारा इसकी स्ट्रेच हो जाए। ओके, लेट जाए।
आई थिंक काफ़ी बेहतर होगा अगर आप इसमें ट्राई करें। अब वही गलतियाँ, एक पाँव करीब हो, दूसरा हाथ हाथों की डायरेक्शन देख लें, तीसरी बात अपने इन जो आपकी कोनिया हैं इनको आप स्ट्रेट करना है। जब तक ये बेंड है इसका मतलब इंप्रूवमेंट नहीं है। उसके बाद फर्दर इंप्रूवमेंट ये है कि आपकी बॉडी को करीब से क्रीप करते जाना। अब एक बार हम हैंड्स को ये ब्रिज करके क्रीप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके, 1 2 3 2 उठाइएगा। ओके, अब जरा हाथ क्रीप करें, ओके, हाँ, अब पाँव को भी क्रीप करने की कोशिश करें, ये मैक्सिमम क्रीप लाने की कोशिश करनी है, ठीक है? अब आप लेट सकते हैं। सो गाइस, ये था ब्रिज सिंपल सा। फिर बात करूँगा अभी जो मेन एक्सरसाइजेज हैं, मेन स्ट्रेचिज है, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो आने वाले वक्त में जब आपकी जो बेसिक्स हैं क्लियर हो जाएंगे तो मैं उस पर वर्क करूंगा। नंबर टू, मैं आपको ये कहूंगा कि जो फ्रंट रोल बैक रोल ट्यूटोरियल ये ऊपर मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस लिंक पे जाएं और जाके वीडियो डाल के देखें। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है राउंड ऑफ या कार्टविल कह लें, और दूसरा साइड रोल। हमारी ये बेसिक्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी तो इसके बाद हम एडवांस लेवल। सो गाइस, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एट लीस्ट आप हमें सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी इंस्पिरेशन बढ़ती रहे और दिन ब दिन आपके लिए लोअर लेवल से या बेसिक लेवल से एक्सट्रीम लेवल तक जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो 100 डेज के अंदर अंदर आपको कवर की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।